तो अब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के दहरान एक हमारा एक्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी इकोनॉमिकल वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके पास एडवोकेट्स हायर करने की फैसिलिटीज़ ना हो तो वो वहाँ पर एक एप्लीकेशन देख कर, उनको एक फ्री का एक एडवोकेट मिलता है जो फ्री की लीगल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन सब पे बात करने से पहले ये अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो मतलब इतनी सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग होना वर्सटाइल होना कैसे मैनेज करते हो मैनेज हो जाती हैं ये सब चीज़ें जब आप कुछ ठान लो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो ही जाती हैं और इसमें आपको आपकी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और अगर मैं बात करूँ कि शादी से पहले तो मेरे पापा वॉज लाइक कि आपको बस पढ़ना है और आपको कोई अच्छी सी गजटेज पोस्ट लेनी है दैट्स इट आई एस के एस मुनसिफ बस इसके अलावा कुछ नहीं बट uh, जैसे कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो वैसे ही आई गॉट मैरिड तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बस यही बोला कि फॉलो योर ड्रीम्स टू वट यू वांट टू डू तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का थोड़ा सा पीछे हो गया बैकफुड कि हस्बैंड को सब पता है देखिए जैसे आजकल जो मीडिया है जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ़ डेमोक्रेसी बोलते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन रूरल एरियाज़ तक पहुँचाना बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके साथ डोमेस्टिक uh, वायलेंस होता है जिनके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो उनको पता नहीं होता कहाँ हमें अप्रोच करना है कहाँ हमें जाना है तो हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ़ दी स्टेट में जाऊँ डिफ़रेंट पार्ट्स ऑफ दी विलेजेस में जाऊँ जहाँ पर मैं जाके लीगल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करूँ औरतों को मैं जागरूक करूँ उनके हक़ के बारे में उनके राइट्स के बारे में उनकी ड्यूटीज़ के बारे में और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं औरतें क्या मर्द लोग भी ऐसे होते हैं बच्चे भी ऐसे होते हैं अठारह साल से ऊपर जिनके जिनको पता नहीं होता प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती हमें कहाँ जाना है और कैसे अप्रोच करना है आप हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाई जी हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं और हम भी कोशिश करते हैं कभी कभी वर्सटाइल होने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम सब किया जाए लेकिन ये थोड़ा थोड़ा से इनका पेट नहीं भरता ये सोशल एक्टिविस्ट है ये एक अच्छी लीडर हैं अच्छी ग्रहणी हैं और उसके साथ साथ एडवोकेट भी हैं तो एडवोकेटों के साथ मेरा वैसे भी बड़ा एक मैं नहीं कहूँगा कि छत्तीस का आंकड़ा है लेकिन हाँ उनसे थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ मैं क्योंकि उनको कानून की भली भांति समझ होती है और मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे कानून इन्वॉल्व हो तो खैर सबसे पहले तो मुबारकबाद आप अवार्ड भी लेकर आए हैं इन सब पे बात करने से पहले ये अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो मतलब इतनी सारी चीज़ें मल्टी होना वर्सटाइल होना कैसे मैनेज करते हो मैनेज हो जाती हैं ये सब चीज़ें जब आप कुछ थान लो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो ही जाती हैं और इसमें आपको आपकी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और अगर मैं बात करूँ कि शादी से पहले तो मेरे पापा वॉज़ लाइक कि आपको बस पढ़ना है और आपको कोई अच्छी सी गजटेड पोस्ट लेनी है दैट्स इट आई एस के एस मुनसिफ बस इसके अलावा कुछ नहीं बट uh, जैसे कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो वैसे ही आई गॉट मैरिड तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बस यही बोला कि फॉलो योर ड्रीम्स डू वट यू वांट टू डू तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का थोड़ा सा पीछे हो गया बैकफुट की अब हस्बैंड को सब पता है हस्बैंड को सब कुछ मालूम है लेकिन शादी के बाद ना बहुत सारे काम घरेलू घर के होते हैं और उसके बावजूद भी टाइम निकाल पाना तो ये पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि स्पोर्ट सिस्टम हस्बैंड तो है ही है लेकिन जितने काम आपने हाथ में पकड़ के रखे हैं वहाँ पर फिज़िकल एवेबिलिटी ज़्यादा चाहिए ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे काम हो जाए तो ये संभव हो पाता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल हो पाता है बिकॉज इसमें आपको सपोर्ट ही चाहिए होती है आपको डिटर्मिनेशन चाहिए होती है आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और आपको एक दिमाग में ही होता है कि मुझे काम करना है तो इसमें आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है पर ये है कि जैसे अब घर की चीज़ें मैनेज करनी होती है तो उसमें मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है कि मुझे कुछ भी करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे बस बाहर ही काम करना है सोशल एक्टिविस्ट जब नाम जुड़ता है समाज के प्रति आपका एक स्वभाव नजर आता है समाज के प्रति एक सेवा करने का मन जो है वो सामने आता है हालांकि आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने के अपने बारे में नहीं सोचते लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनका भला हो जाए लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं रुकावटें काफ़ी आती हैं कानून आप जानते हो आप एडवोकेट हो समाज सेवा करते हो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाज में लोगों को पता नहीं होता कैसे करें चाहे मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करूं बहुत सारी मोदी जी की स्कीम्स ऐसी हैं जो सेंटर से निकलती हैं आम जनता को पता नहीं कि भाई कैसे अवेल करनी है तो कौन कौन सी आपके वर्क प्रोफाइल के दौरान सोशल एक्टिविस्ट भी आप हो जो आप प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से आप तक पहुँची और आपने सोलूशन निकाला देखिए जैसे आजकल जो मीडिया है जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ़ डेमोक्रेसी बोलते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि हमारी इंफॉमेशन रूरल एरियाज़ तक पहुंचाना बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है जिनके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो उनको पता नहीं होता कहाँ हमें अप्रोच करना है कहाँ हमें जाना है तो हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी स्टेट में जाऊँ डिफ़रेंट पार्ट्स ऑफ दी विलेज़स में जाऊँ जहाँ पर मैं जाके लीगल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करूँ औरतों को मैं जागरूक करूँ उनके हक के बारे में उनके राइट्स के बारे में उनकी ड्यूटीज़ के बारे में और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं औरतें क्या मर्द लोग भी ऐसे होते हैं बच्चे भी ऐसे होते हैं अठारह साल से ऊपर जिनके वो पता नहीं होता प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती हमें कहाँ जाना है और कैसे अप्रोच करना है तो अब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के दहरान एक हमारा एक्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी इकोनॉमिकल वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके पास एडवोकेट्स हायर करने की फैसिलिटीज़ ना हो तो वो वहाँ पर एक एप्लीकेशन देख कर उनको एक फ्री का एक एडवोकेट मिलता है जो फ्री की लीगल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको अवॉइड मिल जाती हैं अब हमारी औरतों को इसके बारे में नहीं पता होता गांव की औरतों को कि उनको लगता है कि वकील के पास जाना है तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे ये एक थॉट आता है माइंड में कि देखो जी आ, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हमारा केस कौन लड़ेगा और रही बात जब इस तरीके से कोई मजबूर इंसान आता है जिसके पास वाकई पैसे नहीं है या फिर जिसके पास थोड़े बहुत है जो दे सकता है एक फीस के मात्र लेकिन उसको पता नहीं है मैं करूं तो करूं क्या कई सारे ऐसे कानून हैं मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं एग्जांपल तौर पर एक कहीं कहीं बातें हैं कि देखिए जी अगर कोई किराए वाला किसी के वहाँ पर पंद्रह बीस साल से ऊपर रह रहा है तो वो क्लेम कर सकता है मालिकान कहेगा भी नहीं ये तो मालकाना हक हमारा है इन चीज़ों को लेकर भी आपके पास केसेस आते होंगे हमारे पास सारे केसेस आते हैं और इसमें प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेशन होती हैं सब कुछ होता है लेकिन मेरा मेन फोकस ये रहता है कि औरतों के लिए सोसाइटी है उनके लिए काम करना बिकॉज अगर हम देखे जाएँ तो अर्बन एरियाज़ में भी लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं उनके साथ भी बहुत कुछ होता है लेकिन वो डरती हैं बात करने से और वो आ, सब चीज़ें आप डरते मतलब आप ये लेडीज संगम का अवतार जो है वो आफ्टर मैरिज है या पहले से भी आप ऐसे ही हो कि घबराहट नहीं एक फिक्र रहती है फैमिली को माता पिता भी कहते हैं बच्चा इतने ज्यादा मत इन्वॉल्व हो जाओ अब हमें भी कहते हैं हम कभी रात को ढाई तीन बजे कोई ऐसा कहीं पर गोली कांड हो जाए कहीं पर कुछ हो जाए हम रिपोर्टिंग करने चले जाते हैं फिक्र रहती है माँ को कि बेटा घर पे नहीं अभी तक आया ये क्या बाकी के पंगों में छोड़ो पर एक खबर हर चीज़ नहीं होती लेकिन हमारा काम जो है हमारा पेशा जो है वो आगे रखता है तो आपको भी कभी फैमिली में किसी ने कहा कि बेटा इतना आप कर रहे हो समाज का भला कर रहे हो लेकिन दुश्मनी खुद के लिए पाल रहे हो बहुत लोगों ने बोला दोस्तों ने भी बोला फैमिली ने भी बोला बट मेरे फादर ने कभी ये चीज़ मुझे नहीं बोली क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि आप मेरे बहादुर बच्चे हो जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना तो ऑटोमेटिकली मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मेरे मन में यही था कि मैंने अपने फादर को प्राउड फील करवाना है तो अगर जब आपकी शादी हुई थी तो गुण मिलाए थे तो था या फिर ये वाली प्रायरिटी ज़्यादा रखी थी ऑब्वियसली गुण तो मिलाए थे बट ये है कि प्रायरिटी ज़्यादा रखी थी और पापा को ये पता है कि मुझे बस इतना ही होता है कि मुझे अपने पापा को प्राउड फील करवाना है और जब मुझे बाहर के लोग बोलते हैं कि आपके पापा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं लेकिन वो आपके सामने ये चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि लगता है ना कि बच्चों को फिर ज़्यादा ही पढ़ लग जाएंगे तो इसलिए पापा कभी नहीं ये सब चीज़ें आपको बोलेंगे बट वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और जब मैं अवार्ड लेकर आई थी तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे हस्बैंड का बहुत अहम रोल है आपकी लाइफ में और स्पोर्ट सिस्टम है जाहिर सी बात है जो बेटियाँ होती हैं पापा की लाडलियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं लेकिन अगर हस्बैंड भी वैसा मिले जो आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आपकी सोच के साथ चलता हो तो आपको लगता है चीज़ें आसान हो जाती हैं बिल्कुल आसान हो जाती हैं आपके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट सिस्टम रहता है आफ्टो बीइंग मैरिड मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम रहा है और मैं मेरे फादर ने तो कभी मुझे जम्मू के बाहर जाने भी नहीं दिया वो इतना डरते थे कि नहीं एक ही बेटी है उसको बाहर नहीं भेजना है बट जब से आई हैव बीन मैरिड मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बोला डू वॉट है यू वॉन्ट टू डू आपको सोसाइटी के लिए काम करना सोसाइटी के लिए करो खुद का नाम बनाओ खुद खुद के लिए काम करो मेरी साइड से आपको कोई दिक्कत नहीं आई एम हैविंग योर सपोर्ट आई एम गिविंग यू द विंग्स टू फ्लाई जब मैं ये अवार्ड ले रही थी डेली में तब भी हमारे वहाँ पर इंटरव्यू मीडिया बाइट्स हो रहे थे उन्होंने जब ये चीज़ पूछी आई वॉज हैविंग द सेम आंसर बिकॉज आई नो कि वॉट इज़ अ रियल स्टोरी बिहाइंड इट एंड जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना डेली में एंड फ्रंट ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ दिफ्रेंट अ बिग प्राइड एंड जम्मू करना उस से, क्योंकि वहाँ की लोगों की ये सोच रहती है कि कश्मीर में क्या ही करते वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब मैं आप कल गई थी तो मैं कल वहां से वापस आई तो बोल रहे थे कश्मीर आएंगे घूमने के लिए तो मैंने उनको ये बोला कि जम्मू क्यों नहीं आप घूमने आओगे जम्मू भी तो हमारा कितना खूबसूरत है कहते हैं जम्मू में बहुत गर्मी होती है हम नहीं आ सकते मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर जो है एक अलग चीज़ है जो आपको आनी चाहिए इसे कश्मीर ही एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए right. जम्मू भी एक्सप्लोर करना चाहिए जम्मू भी बहुत खूबसूरत जगह है और दोनों की आपस में आइडेंटिटी है तो आप किसी एक जम्मू को सेपरेट नहीं कर सकते कश्मीर से तो कश्मीर को जम्मू से सेपरेट नहीं कर सकते हैं आप तो उनको ये आइडियोलॉजी बड़ी अनक्लियर थी जो हम वहाँ जब बैठ के हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री से लोग आए थे कोलकाता से मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ से नहीं आए हुए थे बट जम्मू कश्मीर से कोई भी वहाँ नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच वैसी नहीं थी आपको लगता है कि कुछ मूवीज भी बनी आर्टिकल 370 की बात करूं कश्मीर फाइल्स की बात करूं 370 35 से टूटने के बाद की बात करूं उससे पहले लोगों की सोच अलग हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के नाम से लोग घबराते थे लेकिन ये जानते थे कश्मीर का केसर बड़ा फेमस है कश्मीर में डल लेक है वहाँ पर बर्फबारी है वहाँ पर ये है लेकिन जम्मू को हमेशा अंडरएस्टिमेट किया गया मैं किसी सरकारों पर ब्लेम नहीं करना चाहता ना मैं उस तरफ जाना चाहता लेकिन वाकई ही जब जम्मू से बाहर कदम रखते थे लोग ये बातें करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से चीज़ें बदली हैं अब कोई घूमने आता है इस बार अगर पिछले साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलानी वहाँ पर आए मतलब लगभग टू मिलियन क्रॉस करके तो कश्मीर में अब सिंगम जैसी फिल्में शूट हो रही हैं दोबारा से तो ये बदलाव जो नज़र आ रहा है चीज़ें धीरे धीरे सही लेकिन सी की तरफ जा रही हैं बिल्कुल जा रही हैं सर अब जैसे हम बात करेंगे कि पहले हमसे यही क्वेश्चन आता था कि आपने क्या मिलिटेंट देखे हैं बट जब मैं कल वहाँ गई तो ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं था हमारे पास ये क्वेश्चन था कि कश्मीर कितना सुंदर है हमें कश्मीर घूमने आना है बट उनके मेरा जवाब क्या था कि जम्मू भी तो घूमने आओ कश्मीर नहीं जम्मू भी हाँ घूमए घूमने आओ और वहाँ पर हमारी माता का वास है बावे वाली माता का वास है वैष्णो माता का वास है आप आइए और आप सिर्फ कश्मीर ही मत एक्सप्लोर करिए जम्मू भी एक्सप्लोर करिए जम्मू की ब्यूटी भी एक्सप्लोर करिए और उनको ये लगता था कि जम्मू कश्मीर की अभी उतनी इन्हांसमेंट नहीं हुई है एजुकेशन में बट हमारी गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने इतनी स्कीम्स बनाई कि जम्मू कश्मीर भी बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ आया बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ छू रहा है और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी जो हैं वो कहाँ कहाँ नहीं अपना नाम रोशन कर रहे हैं बट इस चीज़ के बारे में अभी कंसेप्ट बहुत कम है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन भी आएगा चेंजेस भी आएंगे और रिफॉर्म भी आएगा और जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी तो बहुत ज़ोर से उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर तो आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि जम्मू कश्मीर से कोई भी वहाँ नहीं था और मेरी भी सर सिलेक्शन काफ़ी टाइम से चल रही थी और उनको यही डाउट था कि जम्मू कश्मीर से कोई लड़की काम कर रही है कैसे कर रही है तो उन्होंने मेरा इसी वीक लास्ट वीक ही मंडे को मुझे फ़ोन आता है कि आपको डेली आना है और ऑन द वेरी शॉर्ट नोटिस मुझे वहाँ जाना पड़ा और मुझे वहाँ बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जम्मू कश्मीर से कोई लड़की वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जम्मू कश्मीर को क्या बात है हम आते हैं इस अवार्ड पर लीडर्स ऑफ भारत मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड के बारे में हमें बताइए क्योंकि जहाँ तक आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहा है यहाँ पर लिखा है एडवोकेट उमा कपाही एज़ अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल वर्क आपने समाज में इतना वर्क किया है समाज के लोगों के लिए ये आसान नहीं है और आ, शायद मैं उस लाइक भी नहीं कि इस अवार्ड को हाथ में पकड़ पाऊँ क्योंकि जिनको ये मिला है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब ये अवार्ड आपको मिला एक जहनी तौर पर थोड़ी सी तसली हुई होगी आपको भी और आपके पिताजी को भी आपके हस्बैंड को भी आपकी फैमिली को भी कि जिस काम को लेकर आप दिन रात अपनी नींद भी ख़राब कर रहे हो आफ्टर ऑल उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला सर एक साल हो गया एक डेढ़ साल हो गए एक डेढ़ साल से मैंने बस एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था वुमेन एम्पावरमेंट में तो मुझे पुश मिला था कि आप इतना अच्छा लिखते हो आप प्लीज लिखा करो पर अपना काम मैनेज करना इंटरव्यूज मैनेज करना एक टाइम तो ऐसा होता था कि मैंने आ, स्टेट वुमेन कमीशन के लिए भी काम किया है जे एंड के में क्योंकि स्टेट वुमेन कमीशन जो है एक सैचुरेटरी बॉडी है कभी आपका ऐसे माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ कि मैं कहीं मीडिया की तरफ भी रुख करूं क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं और मैं मैक्सिम जब मुझे लगता है कि जो टॉकटिव इंसान होता है ज़्यादा मैं भी टॉकटिव हूं वो दिल के बहुत साफ़ होते हैं वो दिल में कुछ नहीं रखते वो मेनूपलेटिव नहीं होते वो बिल्कुल जो जैसे अंदर दिल में है वैसे ही बोल देंगे तो आप कभी सोचा कि जर्नलिज्म भी कर सकती हूँ क्योंकि इतनी फील्ड में आप कर रहे हो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू सर कुछ भी ऐसा इंपॉसिबल तो है नहीं मैंने बस एक वो आर्टिकल लिखा था उस पर मेरी मीडिया बाइट हुई बाइट हुई थी उसके बाद फिर मैंने राम मंदिर पे आर्टिकल लिखा पूरी हिस्ट्री उसके बारे में फिर उस पर मीडिया बाइट हुई ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आया कि हमारी वुमेन कमीशन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है उसके लिए फिर मैंने गवर्नर साहब तक भी बात पहुंचाई थी जहाँ जहाँ मेरी बात पहुंच सकती थी मैंने उनको चिट्ठियाँ पहुंचाई उनसे खुद मिली उनसे खुद डिस्कस किया कि वुमेन कमीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खुद एडवोकेट हो आपको चीज़ें बारीकी से पता होंगी एक आम इंसान से ज़्यादा इसलिए आपको रास्ते भी पता है कि कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करवानी हो उसका रास्ता कौन सा तरीका कौन सा आपका ये जो पढ़ाई ये वकालत आपके सोशल काम में ज़ाहिर सी बातें बड़ी हेल्प की होगी बिल्कुल की थी सर जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो आर्टिकल्स में क्वालिटी की बात की है तो जब मैंने क्वालिटी का देखा तो हमने वुमेन सेल को इंपॉर्टेंस दी है तो मेल सेल क्यों नहीं है तो मैंने मेल सेल के लिए भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जिनको लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो उसके लिए मेल सेल भी तो होनी चाहिए वैन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी अगर वुमेन सेल है तो तो वुमेन सेल में क्या है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब स्टेट वुमेन कमीशन एबसेंट होती है और जिसके लिए लोग भी प्रेफर नहीं करते पुलिस स्टेशन जाना क्या मेन सेल्स को लेकर क्या कुछ आगे प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं लड़का लड़की एक समान की बात करते हैं तो क्या इस आपकी जो पहल है मेन सेल को लेकर वो कारगर साबित हो या चल रहा है उस पर सर बिल्कुल चल रहा है और आने वाले दिनों में वो भी चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी जब हमारे नए कानून आए थे तो उसमें ये कानून आया था एक सेक्शन 69 जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी किसी लड़का लड़की को धोखा देता है तो उसकी सज़ा की इतनी सज़ा मिलेगी तो लड़कियां भी तो देती हैं उनके लिए भी तो कुछ प्रोविज़न होना चाहिए बट जो जो हमारे तीन कानून लागू हो रहे हैं आफ्टर हंड्रेड ईयर्स जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे उसमें हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उसमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए तो वो कानून जो है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं अब जुलाई जून के बाद जब भी वो इम्प्लीमेंट होंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा अब रही बात अगर हम बात करें अपने बहुत सारे ऐसे जेल्स हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं ऑल इंडिया में भी जहाँ पे इलीगल डिटेंशन हुई हुई है वो किस बेसिस पे हुई है कैसे हुई है तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज़ पे भी काम करूँ बिल्कुल बहुत सारे केसे ऐसे होते हैं कि क्राइम कोई और करता है फस कोई और जाता है और वो कई बार कई कई साल सजा भुगतने के बाद उसके बाद पता चलता है ये तो निर्दोष था और असली कल्पेट कोई और, था। और उनकी फैमिलीज भी नहीं आती हैं उनको पता करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि हम जाएंगे तो कहीं हम ना फंस जाएँ हम वकील की फीस कैसे करेंगे तो उनको वहाँ ही वो छोड़ जाते हैं एक मैं जेल में गई थी उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मैंने वहाँ पर विजिट किया था तो मैं देख रही थी कि उन औरतों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे तो उन बच्चों की क्या गलती उनको वहाँ क्यों रखा हुआ है तो इस पर भी मैं काम कर रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि इ डिटेंशन के बारे में पता करने के लिए कि कैसे डिटेंशन हुई और अगर की कोई बेकसूर है जिसने कोई गुनाह नहीं किया है तो उस पर भी हम काम जरूर करेंगे आपको एडवोकेट के साथ डॉक्टर भी लगाना चाहिए क्योंकि आप साइकोलॉजी तौर पर जो है अगर लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो क्योंकि अगर आप जेल में जाकर कैदी को भी देखकर कहोगे कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि ये इंसान डिसेंट है या कैसा है जब उनसे बातचीत करो कई बार जो मैं भी जेल का नाम नहीं लूंगा जम्मू में ही है कई बार वहाँ पर ऐसा एक्टिविटीज़ होती है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो, हो, होते हैं गाने बजाने भी, भी होते हैं तो उस समय वो लगता नहीं कि वो भी एक आम इंसानी है किस मनोस्थिति में उन्होंने कोई क्राइम किया होगा या नहीं किया होगा किस तरह से भुगत रहे हैं अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूँगा बड़े काम आएगी लोगों के कि जब कोई किसी वजह से कसूर नहीं है सजा भुगत रहा है तो क्या जब वो सजा भुगत के बाहर आता है बहुत सारी हरासमेंट मेंटल हरासमेंट रहती है उसकी उसके परिवार को लेकर तो उस चीज़ को रीहैप कैसे किया जाता है उसकी मतलब जो मेंटल ट्रॉमा इतने साल का रहता है यार मैंने तो बिना वजह किसी की सजा भुगत ली सर पहले तो ये होता है कि अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया है और फैमिली वालों को पता है कि उसको इलीगली डिटेन किया जा रहा है तो पहले ये फैमिली वालों का रोल रहता है कि सारे सबूत इकट्ठे करके उसको बाहर निकालना और अपनी जुडिशरी तक पहुंचना और उसको इंसाफ दिलाना और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कभी किस्मत का भी कुछ खेल कुछ समझ नहीं आ सकता तो अगर बाई चांस अगर कोई बंदा पनिशमेंट लेके बाहर आ रहा है तो सबसे पहले फैमिली का रोल होता है फैमिली ही इंपॉर्टेंट होती है उसको काउंसिल उनको करना पड़ता है उसको प्यार उतना देना पड़ता है काउंसिलिंग करना पड़ता है उसको सब कुछ समझाना पड़ता है और फिर से एक कॉन्फिडेंस मोरल बूस्ट कराने में वक्त लगता है बट वो फैमिली दोस्त ही कर सकते हैं और फिर से वो सोसाइटी में काम करे और फिर से अपना वो नाम बनाए और बहुत सारे ऐसे हमारे काउंसलिंग स्टेशनस भी हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे वो जाके अपनी काउंसिलिंग ले सकता है बट सबसे पहली जो शुरुआत है वो घर से ही होती है है क्या जा बात अच्छा मैं जानना चाहता सोशल मीडिया का जमाना है काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होगी आपके साथ क्योंकि सवाल इतने हैं मौका मिलेगा हम आपसे दोबारा से, से इंटरेक्शन करेंगे और कई बार क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं शहर में तो चलो लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है वो गूगल का सारा ले, ले लेंगे पढ़ लेंगे समझ लेंगे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर देख लेंगे फार फंग एरियाज की बात करूँ जहाँ पर लोगों के पास अभी भी एंड्रॉयड नहीं वो की पैड वाला बटन है सुनी सुनाई बातों विश्वास करते हैं मिथ पे आ जाते हैं ऐसा करो वैसा करो तो उन एरियाज में कितने ज़्यादा आप एक्टिव हो या आपके साथ कुछ और लोग जुड़े हैं जो उनको समझा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो इसका निवारण ये है अगर वैसा हो तो ऐसा हो सकता है सर जैसे हमारा रोल ये रहता है कि हमें जब भी कोई प्रोग्राम्स की डाटा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको रूरल एरियाज में कंडक्ट किया करें और हमारे साथ रूरल वूमन डेवलपमेंट के जो हैं वो लोग जुड़ते हैं कि हम वहाँ पे जाके उनसे बात करें जैसे अभी हमारे पास रिसेंटली एक टॉपिक आया था डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट जो आपको बच्चों में भी कंडक्ट करवाना है क्योंकि नई जनरेशन जो होती है वो होल्ड करती है हमारा फ्यूचर तो उनको पता होना चाहिए ना कि सिर्फ लड़कियों को लड़कों को भी पता होना चाहिए और हमारी ये ड्यूटी रहती है कि हम रूरल एरियाज़ में जाके उन प्रोग्राम्स की बात करें और पहले जब भी हमें कोई प्रोग्राम आता है कुछ भी आता है हम खुद करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट एरिया जहाँ पे हम इस चीज़ को समझा सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे ब्लॉक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे रूरल एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे इनका नॉलेज होना या इनका इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क रहता है अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो समाज में कई जगह कुरीतियाँ भी हैं और कई जगह कमियाँ भी हैं हर एक का बीड़ा एक अकेला एक इंसान नहीं उठा सकता मैं बात करूँगा आजकल कर ड्रग्स की बात की जाए काफ़ी हद तक फैला हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतरीन काम कर रही है जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पर तो चलो फ़ोन नंबर भी डालें कि आपकी जो पहचान है गोपनीय रखी जाएगी क्या इन चीज़ों को लेकर भी सामाजिक संस्थाएँ काम करती हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुलिस की सपोर्ट में रहें सर पुलिस की सपोर्ट के साथ भी सारा काम होता है पुलिस की सपोर्ट के बिना भी सारा काम होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है उसको पता होता है उसका फोकस क्या है अगर उसका फोकस थोड़ा सोसाइटी में सुधार लाना है या अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना है तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं आपको एक रास्ता दिख जाता है आपको एक पता चल जाता है कि आपको क्या फुट फॉलो करना है अब मैं भी एक नॉर्मल इंसान था जो सिर्फ़ किताबों में ही रहता था किताबों से बाहर निकल के जब मैंने अपनी सोसाइटी में देखा कि कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो मैंने अपने आप को बिल्कुल उसी में डाल दिया कि आई हैव टू डू सोशल वर्क अपनी पढ़ाई तो करनी अपने लिए भी काम करना ही करना है लेकिन लोगों के लिए भी कुछ काम करना है क्योंकि वॉट वी आर टेकिंग वी आर टेकिंग फ्रॉम सोसाइटी तो इन रिटर्न वी हैव टू रिटर्न टू द सोसाइटी बैक अब फार फ्लंग एरिया में एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती दिक्कत रहती तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ जुड़े कोई एक बंदा भी अगर हमारे साथ उस एरिया से जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें वो रास्ता दिख जाता है कि हमें कहाँ कहाँ जाके क्या क्या इफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है इसमें वी डोंट चार्ज एनी मनी कोई ऐसे केसेस जो लोग चाहते हैं करना लेकिन उनके पास सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं होता उनको इतनी नॉलेज नहीं होती हम कोशिश करते हैं कि उन तक भी इंफॉमेसेशन स्प्रेड uh, की जाए बाय द वे ऑफ वेरियस एन जैसे uh, एक हमारी एन बहुत सारी एन जी जो औरतों के लिए बच्चों के लिए लड़कों के लिए सबके लिए काम कर रही है तो उन एन के साथ हमारा टाई अप रहता है वो हमें कोई भी बताते हैं कि मैम यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोशिश करते हैं वहां जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनको इफार्मेशन स्प्रेड करने की तो यही हमारा काम रहता है जाते जाते सिर्फ एक बात आप बताइए कि अगर आपकी संस्था से किसी ने कांटेक्ट करना हो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर किस तरीके से प्रॉब्लम जिसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या कई बार क्या होता है जब अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसान का माइंड स्टक हो जाता है वो उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ कैसे संपर्क करें आपके साथ कौ, कौन सी संस्था है जिसके साथ आप जुड़े हो या आप, आपकी संस्था जिसके साथ लोग जुड़े हैं कैसे लोग आपके साथ सर यहाँ पे बहुत सारी सी वन की संस्था है ठीक है हमारे इधर गंग्याल वाली साइड भी संस्था है हमारी सिटी वाली साइड भी संस्था है हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसमें लोग अप्रोच कर सकते हैं अप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने इशू के बारे में बता सकते हैं और उनको एक वकील अलॉट किया जा सकता है उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिल सकती है और मेरे तक भी वो लोग अप्रोच कर सकते हैं जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है कि हम कोशिश करेंगे कि उनको काउंसिल करें उनको इंसाफ दिला और उनकी बात बन जाए। समय के लिए ये जो अवार्ड का मैं जिक्र कर रहा हूं ना इस तरह के कई और अवार्ड जो है इनका इंतजार कर रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जो इंसान घर से सेवा भाव से निकले ना कि लोगों की सेवा करनी है चाहे वो प्रोफेशन से हो या फिर पर्सनल तौर पे हो जितनी हो सके उनकी जीती जाती एग्जांपल हमारे सामने एडवोकेट मकबाई जी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और बहुत सारी बातें आपके काम की भी हैं तभी मैंने कहा ये इंट्रैक्शन जो है वो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे भी जानने को मिली मुझे भी सीखने को मिली और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लोगों लोगों के जो सवाल होंगे वो क्लियर भी होंगे और कुछ और सवाल भी आपके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा फिलहाल देखते चैनल वन राहुल खत्री नमस्कार